हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर अपनी आईटीआई कोपा थ्योरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्लासेस को कर रहे हैं। आज हमारी होने वाली क्लास नंबर 7 और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है पावर पॉइंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 7 में। इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो जल्दी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, मतलब आप मेरे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको आईटीआई कोपा थ्योरी एग्ज़ाम 2024 इस तरीके से थंबनेल जैसे आपको सामने दिख रहा है वैसे एक थंबनेल देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप क्लासेस को देख सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी साथ साथ में क्लासेस हो रही हैं, उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अभी से टॉपिक वाइज क्लास बाई क्लास करते जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर प्रेशर इतना नहीं रहेगा। चलिए तो अपनी क्लास नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। निमी बेस्ड क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस पर आधारित है, सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आज का टॉपिक है इमेज एडिटिंग प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट। कुछ डाउट भी हैं आपके, वो आपको इन्हीं क्लास के बीच बीच में आपको मैं बताती चलूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है पावर पॉइंट का, तो पहला क्वेश्चन है विच आइटम कंटेन्स टेक्स्ट ग्राफिक्स चार्ट साउंड वीडियो इटीसी इन पावर पॉइंट। एक्सेल के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम पावर पॉइंट के क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने पावर पॉइंट चलाया होगा, देखा होगा, तो उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। बस यही है, एक्सेल में जैसे उससे एक्सेल किसी को आता है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे वो स्टूडेंट तुरंत आंसर दे देगा, राइट। तो यही है पावर पॉइंट है। तो पावर पॉइंट में टेक्स्ट आइटम चार्ट साउंड वीडियो इत्यादि कौन से आइटम में रहते हैं, मतलब पावर पॉइंट में टेक्स्ट आइटम चार्ट साउंड वीडियो ये सब कौन से आइटम में रहते हैं, स्लाइड फोल्डर हैंडआउट या फिर डेस्कटॉप। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लाइड। जो भी आंसर दे रहे हैं वो देते रहिए, जिनको आंसर इनका नहीं पता है या फिर जो पहली बार क्लासेस को देख रहे हैं वो बस ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, बस इतना आपको करना है। आंसर देने की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आंसर कौन दे रहे हैं, जो दोबारा इन क्लासेस को देख रहे हैं, राइट। दोबारा इन क्लासेस को देख रहे हैं वो आंसर दे रहे हैं, बाकी हम मैराथन क्लास भी करेंगे उसमें आपका रिविज़न बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है विच कंटेंस माइनेचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड, स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा है, इनमें से जो है स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा है। ऑप्शन हमारे स्लाइड्स, हैंडआउट, टेम्पलेट या फिर स्लाइड मास्टर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्लाइड्स, ऑप्शन ए स्लाइड। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच बटन इज यूज्ड टू ऐड इंस्टेंट एनिमेशन टू द प्रेजेंटेशन एंड हेल्प्स इन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है और इफेक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है। त्वरित एनिमेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं अभी जो क्वेश्चन मैंने टाइप किए हैं वो एमएस वर्ड पे नहीं किए हैं, ये मैंने पावर पॉइंट पे किए हैं, राइट। मैंने पावर पॉइंट पे किए हैं, अब आप उस लेवल का समझ सकते हो कि मुझे कितने क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं पावर पॉइंट रोज चलाती हूँ, इतना एक्सेल नहीं चलाती जितना कि मैं पावर पॉइंट चलाती हूँ। तो पावर पॉइंट का टॉपिक मैं कर रही हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये क्वेश्चन मुझे कितने अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। वैसे ही अगर आपने सीखा होता पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सारी चीज़ें सीखी होती तो आपको ये क्वेश्चन, आपको मेरी ये क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, राइट। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन में एनिमेशन जोड़ते हैं तो वो बटन होती है एक्शन बटन, हिंदी में बोलें तो क्रिया बटन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज पावर पॉइंट, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा, जो पावर पॉइंट है वो होता है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन ग्राफिक। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है विच टूल अलो यूजर टू सिलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चयन करने की अनुमति देता है। कौन सा उपकरण है जो उपयोगकर्ता यानी कि हमें स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है। ऑप्शन है हमारे अप्लाइड डिज़ाइन, बुलेट्स, न्यू स्लाइड या फिर स्लाइड लेआउट। तो यहाँ पे अलग लेआउट का चयन करने की बात आ रही है तो आंसर होगा स्लाइड लेआउट, ऑप्शन डी स्लाइड लेआउट। सिक्स नंबर क्वेश्चन है विच की इज़ यूज टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं यानी कि आपकी क्लास खत्म हो जाती है
तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं पावर पॉइंट पे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, आपके क्वेश्चन भी टाइप करती हूँ। फिलहाल मैं जो खोले हुई हूँ वो पावर पॉइंट है, राइट। तो जब भी क्लास खत्म होती है तो मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकती हूँ। ये मैं पावर पॉइंट के द्वारा आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रही हूँ, क्लासेस को प्रेजेंट कर रही हूँ। तो कभी तो इस चीज़ को मैं रोकती होंगी ना। कब रोकती हूँ? जब हमारी क्लास खत्म होती है। तो जब क्लास खत्म होती है तब मैं एक ईस्केप बटन है जो हमारे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के लेफ्ट में बिल्कुल स्टार्ट बटन के पास में है, स्टार्ट बटन के नीचे है ईस्केप बटन। कभी आप कीबोर्ड देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ईस्केप बटन होता क्या है, राइट। इसका काम क्या है? कंप्यूटर चला लोगे तो फिर समझ में हर चीज़ एक फ्रेंडली हो जाती है कि हर चीज़ सीख जाते हैं हम लोग, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए जो कुंजी है वो है ईस्केप, ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर नई प्रस्तुति, न्यू प्रेजेंटेशन, क्योंकि देखो मैं अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आने वाला है। न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी के लिए सॉरी किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए? तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए होगा Ctrl+N, Ctrl+N। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेंस आर देयर इन बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट 2010? पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यूज में कितने पिन हैं? 3, 5, 7 या 9? ऑप्शन हमारे हैं 3, 5, 7 या 9। तो जो पावर पॉइंट 2010 है उसमें बैक स्टेज व्यूज हैं, उसमें पिन होते हैं 3, ऑप्शन ए 3 पिन्स। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन अ स्लाइड? स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? एनिमेशन, डिजाइन, ट्रांजिशन या फिर स्लाइड शो? यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, स्लाइड, ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, ये एक स्लाइड है, राइट। पिछली स्लाइड कौन सी थी? पिछली स्लाइड थी क्वेश्चन 8 की, अगली स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये एक स्लाइड है। अब इस पर देखिए क्या है, विभिन्न प्रभावों को एक इफेक्ट लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो वो मेनू है एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या होता है ये देखिए, ये जो हाईलाइट मैंने ऑप्शन ए को किया था ये मैंने एनिमेशन लगाया है, ये मैंने एक इफेक्ट लगाया है, राइट। ये होता है एनिमेशन, ये आपको दिख रहा है, राइट। ये होता है एनिमेशन। एक मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ऑप्शन आपका है ए, लेकिन मैंने उसको थोड़ा इंट्रैक्टिव बनाया, थोड़ा इफेक्ट डाला है ताकि अच्छा लगे, आपको भी आंसर एकदम हाईलाइट होके मिले कि हाँ इसका आंसर ये है। तो इसमें मैंने एनिमेशन लगाया है। एनिमेशन क्या होता है समझ गया, ये चीज़ होती है, राइट। और भी मैं अलग अलग तरीके से लगा सकती हूँ लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक हमें हमारा आंसर यही मिल गया, एनिमेशन। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच मैन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस विजुअल इफेक्ट टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को, वेरियस विजुअल इफेक्ट, इनको लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे हैं एनिमेशन, डिजाइन, स्लाइड शो, ट्रांजिशन। अब आप कहेंगे एनिमेशन नहीं होगा, राइट। दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए तो आंसर होगा ट्रांजिशन। आप कहेंगे हिंदी, तो ये रही आपकी हिंदी, स्लाइड शो, और ये होगा एनिमेशन। इन ऑप्शन को हिंदी में लिखने का वैसे कोई फायदा था नहीं क्योंकि उसको उसी तरीके से लिखा जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ट्रांजिशन। अब आपका एक सवाल है कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो केवल इंग्लिश में आएगा या फिर हिंदी में आएगा? ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ, दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। अगर आपके कोई अदर स्टेट है, गुजरात है, पंजाब है, अदर स्टेट है, तो आप प्लीज़ अपने कॉलेज से भी कांटेक्ट में रहिए क्योंकि कॉलेज से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है। कॉलेज से कांटेक्ट लीजिए, कॉलेज से एक बार पूछ तो लीजिए कि हमारा जो एग्ज़ाम या फिर प्रीवियस ईयर आपके रिश्तेदारी में किसी ने भी आईटीआई की हो तो उनसे पूछ लीजिए कि एग्ज़ाम किस तरीके से हुआ था, किस लैंग्वेज में हुआ था, ये पूछ लीजिए। अब ऐसे आप पूरे पूरे आप अपने स्टेट में ऐसे तो होंगे कि नहीं, आप ही केवल आईटीआई कर रहे हो, कोई तो होगा आस पड़ोस का, किसी को तो देखकर अपने हमारे पापा ने एडमिशन दिलवाया होगा
कि आईटीआई कर लो जिंदगी सुधर जाएगी या फिर नौकरी जल्दी मिल जाएगी, वो तो आईटीआई वाले ही जानते हैं, खासकर कोपा वाले की नौकरी तो अभी तक ना मिली है, राइट? नौकरी तो अभी तक ना मिली है, ये तो किसने बोल दिया कि आईटीआई करके नौकरी मिल जाएगी? हाँ, कुछ पर्टिकुलर ट्रेड हैं, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, ये ऐसी ट्रेड हैं जिनसे नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही जल्दी मिल जाती हैं। अब वो कोपा वालों का दुर्भाग्य है कि वैकेंसी निकलती नहीं है। तो हाँ, आपका सवाल क्या था कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आएगा? तो इंग्लिश आपका कॉमन रहेगा, कोई सी भी स्टेट हो इंग्लिश में तो आना ही है। जो हिंदी है, हिंदी की जगह आपके स्टेट लैंग्वेज की जगह चेंज हो सकती है, वैसे हिंदी ही रहेगा मोस्टली, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा, राइट? 11 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। विच मेन्यू इज यूज टू सिलेक्ट अ प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल? पूर्व निर्धारित चार्ट शैली का चयन करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? पूर्व निर्धारित प्री डिफाइंड चार्ट शैली का चयन करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एनिमेशन, डिजाइन, स्लाइड शो या ट्रांजिशन। राइट आंसर इसका होगा डिजाइन, ऑप्शन बी डिजाइन। एक तो जब भी मैं आपको कोई चीज बताती हूँ या फिर कुछ भी अलग हटके बताती हूँ तो आप लोग कहते हो मैम आप बात बहुत करती हैं, राइट? तभी मेरा बताने का बिल्कुल मन नहीं करता है। 80% लोग कहते हैं कि मैम आप बताया करो, हमें अच्छा लगता है क्योंकि आप पहले से ही आईटीआई किए हो तो हमें आपका एक्सपीरियंस सुनने में अच्छा लगता है, कम से कम हम भी तो जाने कि हमें आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा आईटीआई करके। और लेकिन कुछ को लगता है कि बस टाइम पास हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। जिनको लगता है वो स्किप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच टैम्पलेट मेक्स स्पेसिफाई कॉमन डिजाइन एलिमेंट्स इन ऑल स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन? कौन सा टैम्पलेट प्रस्तुति में सभी स्लाइड में सामान्य डिजाइन तत्वों को निर्दिष्ट करता है? कौन सा टैम्पलेट है जो प्रस्तुति में सभी स्लाइड में सामान्य डिजाइन तत्वों को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है फैक्स टैम्पलेट, यूजर टैम्पलेट, डेटा टैम्पलेट या फिर मास्टर टैम्पलेट। तो यहाँ पे सभी स्लाइड में सामान्य डिजाइन तत्वों को निर्दिष्ट करता है, तो वो टैम्पलेट है मास्टर टैम्पलेट। अब इसको भी हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे, मास्टर टैम्पलेट, राइट? 13 नंबर क्वेश्चन है, विच डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट अलोज टू चेंज स्लाइड्स ऑटोमेटिकली इन अ पीरियड ऑफ टाइम? पावर पॉइंट में कौन सा संवाद बॉक्स से समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है? पावर पॉइंट में कौन सा संवाद बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं ये स्लाइड बदलूँ इस तरीके से, ये क्या कर रही हूँ, स्लाइड ही तो बदल रही है मेरी, राइट? लेकिन इसमें मैं कुछ ट्रांजिशन लगा दूँ ऑटोमेटिक वाला, कि मुझे कीबोर्ड से ना करना पड़े, मतलब मैं अगली स्लाइड पर कीबोर्ड से ना जाऊँ, बस ऑटोमेटिकली ऐसे टाइम लगा दूँ कि 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन मुझे पढ़ना है, आंसर बताना, और अपने आप वो स्लाइड है वो चौदहवें नंबर पे पहुंच जाए, मतलब 14वें नंबर के क्वेश्चन पर पहुंच जाए, ऐसा कुछ हमारा उसमें ट्रांजिशन होना चाहिए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है कौन सा, वो है स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन बी स्लाइड ट्रांजिशन। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक थिसोरस डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में थिसोरस डायलॉग बॉक्स को इन्वॉइस करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में ये थिसोरस डायलॉग बॉक्स है, इसको इनवॉइस करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7 या फिर आल्ट प्लस F7 या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F7। राइट आंसर क्या होगा? डायलॉग बॉक्स को, यानी कि थिसोरस डायलॉग बॉक्स को इनवॉइस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होगी? वो होगी शिफ्ट प्लस F7। आप कहोगे मैडम जी आज आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है उसकी, गाड़ियों की, क्योंकि मैंने ना आज थोड़ी जगह चेंज कर ली है, बस थोड़ी सी पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, लेकिन गाड़ियों की आवाज़ मैंने देखा है कि थोड़ी सी आवाज़ आती है, क्या करें, वो हॉर्न ही इधर बजाते हैं। मैंने जैसे बताया कि तिराहे पे मेरा घर है, तो जब भी गाड़ियाँ निकलती हैं यहीं पे हॉर्न बजा के निकलती हैं, तो आज मैंने थोड़ी जगह चेंज कर दी है तो गाड़ियों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, और गर्मी इतनी है कि मैं सोचती हूँ कि पंखे की भी आवाज़ आपको सुनाई ना दे, लेकिन गर्मी बहुत लगती है तो पंखा तो चलाना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में स्वचालित, यहाँ पे है स्वचालित, स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली,
क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इन पावर पॉइंट। स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे हैं टैम्पलेट, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ऑटो कंटेंट विजार्ड या फिर स्टैंडर्ड टेस्ट बार। तो जो विकल्प है वो है ऑटो कंटेंट विजार्ड। क्या हो गया? ऑटो कंटेंट विजार्ड, राइट। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन ऑफर अ बिल्ट इन डिजाइन थ्रू आर डायलॉग बॉक्स। कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है? कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से, डायलॉग बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है? ऑप्शन है ऑटो कंटेंट विजार्ड, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड टूल बार या फिर टैम्पलेट। जो भी स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारे नेमी बेस्ड नहीं है या फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जो होते हैं ना 20% स्टूडेंट इधर उधर भटकते रहते हैं कि पढ़ना क्या है पढ़ना क्या है, इधर से एक क्लास पढ़ लेते हैं इधर से एक क्लास पढ़ लेते हैं और फिर बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम पे हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कि अब क्या करें। पहले शुरुआत से पढ़ लिए होते, शुरुआत से एक एक क्लास ले लिए होते तो क्या हो जाता मेरा, यही तो आप सोचते होंगे, सोचोगे, अभी नहीं सोच रहे हो लेकिन सोचोगे। बहुत सारे फिर मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैडम कुछ भी करो आप, पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो, बट मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करा दो। अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेंबरशिप ले लो, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। अब कुछ जो है वो सोच रहे हैं कि हम क्लास लें ही ना, हमें बस मेंबरशिप मिल जाए। मेंबरशिप मैं ले लूँ वो तो मिल ही जाएगी, आप लोग मेंबरशिप लेना चाहो ले सकते हो, आप बस यही सोचोगे कि हमें पीडीएफ मिल जाए बस, हमें क्लासेस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सोचते हैं ना हम, जितने भी स्टूडेंट, एक या दो स्टूडेंट मेरी क्लास में आते हैं वो सिर्फ इसीलिए आते हैं पीडीएफ के पूछने कि मैडम पीडीएफ कब दे रहे हो, पढ़ो तो भाई। मैं तभी पीडीएफ नहीं दे रही, मैंने क्या बोला था कि जब आपके 200 क्वेश्चन थ्योरी के, यही जो क्वेश्चन है हम 200 कंप्लीट कर लेंगे तब मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगी, और मैं पर्सनली नहीं दूंगी, आपको मेरे चैनल पर जाना होगा। मैंने एक वीडियो डाली है 7 लेयर्स की, मेंबरशिप वालों के लिए 7 लेयर्स की, किसी ने देखी है? नहीं देखी ना। अब मैं पर्सनली आपको थोड़ा ना प्रोवाइड कराऊंगी कि आपकी कमेंट पे जाऊं वहां पर आपको मैं लिंक भेजूं। आप यही चाहते हैं क्या कि मैं सबको ढूंढ ढूंढ के लिंक भेजूं? भाई आप देखिए, मेंबरशिप के लिए अलग से है, राइट। आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वीडियोज़ पर जाएंगे, वीडियोज़ में आपको एक लोगो मिला होगा कि ये केवल मेंबरशिप वालों के लिए, जो चैनल की मेंबरशिप ली है ये वीडियो केवल उनके लिए है, तो आप उस पर क्लिक करके देखें। अब आप सोचें कि मुझे पर्सनली प्रोवाइड कराई जाए तो ये नहीं है, आपको चैनल पर जाना होगा, वीडियोस पर जाना होगा, वहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी आपको पहले से बता दूंगी कि इनके लिए ये वाली पीडीएफ डल गई है, राइट। एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ 7 लेयर्स की, किसी ने देखी है? नहीं देखी है। अब वो इंतज़ार करने की मैं पर्सनली भेजूँ? चलिए, अब सबको लगेगा कि मैडम जी कर रही हैं बातें। हाँ, तो क्या है इसका आंसर? कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है? तो वो है, कौन सा विकल्प है? वो है टैम्पलेट, ऑप्शन डी टैम्पलेट। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज टू रन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? जब भी मैं पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाती हूँ, मैंने एक क्वेश्चन में बोला था कि जब भी मैं प्रेजेंटेशन को रोकती हूँ तो जो की थी वो कौन सी थी, कोई कमेंट करके बता सकता है? अभी जस्ट इसी क्लास में पढ़ी थी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए कौन सी कुंजी है? ईस्केप है, राइट, ईस्केप। और अब यहाँ पर बोला गया है कि उसको चलाने के लिए, प्रस्तुति को चलाने के लिए, पहले हमने पढ़ा था रोकने के लिए, अब इसमें पूछ रहा है प्रस्तुति चलाने के लिए कौन सी कुंजी है, तो वो है F5। मैं F5 प्रेस करती हूँ अपने कीबोर्ड में तो हमारी जो प्रस्तुति है, जो प्रेजेंटेशन है, वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फुल स्क्रीन पर आ जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पिछले उसमें हमने क्या पढ़ा था? न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। कोई बता सकता है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए क्या था? अब इसमें है न्यू स्लाइड, इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए
मैं आपको अलग से यहाँ पर लिख रही हूँ। अभी जस्ट हमने पढ़ा था न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, हमें अगर पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन को ऐड करना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी होगी, बता सकता है कोई? अगर आप इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो फिर ऐसा कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, याद रखना है आपको, या फिर आप नोट्स बनाते जाइए। हाँ भाई, तो नई जो स्लाइड है उसको बनाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+M। अब आप कहोगे प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N, यही तो कंफ्यूजिंग वाला चीज है, यही तो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है। जब आपको ये पता चल ही गया, इसी में तो कंफ्यूज थे कि Ctrl+N है कि M है, राइट? द न्यू स्लाइड के लिए होगा Ctrl+M और न्यू प्रेजेंटेशन के लिए होगा Ctrl+N, ये याद रखिए। 90 नंबर क्वेश्चन है, विच होल्डर होल्ड्स टेक्स्ट टाइटल एंड पिक्चर इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कौन सा धारक टेक्स्ट शीर्षक और चित्र रखता है, कौन सा धारक टेक्स्ट शीर्षक और चित्र रखता है पावर पॉइंट में? इनमें से कौन सा धारक है जो टेक्स्ट शीर्षक और क्या रखता है, पिक्चर्स को रखता है? ऑप्शन है कंटेंट होल्डर, इमेज होल्डर, प्लेस होल्डर या फिर स्लाइड होल्डर। अब यहाँ पर टेक्स्ट शीर्षक और चित्र की बात आती है तो वो होगा प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल। निम्नलिखित में से पावर पॉइंट 2010 प्रस्तुति फाइल का विस्तार क्या है, पावर पॉइंट 2010 प्रस्तुति फाइल का विस्तार क्या है? अब बताइए एक्सेल, 2010 प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है, पूछ रही हूँ, बताइए जरा, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन बताओ तो ऑप्शन भी दे दूं। .xlp, ऑप्शन भी दे रही हूँ .xlsx, या फिर ऑप्शन सी है .xlsb, या फिर ऑप्शन डी है हमारा .xlsm। क्या होगा इसका आंसर बताइए जरा, आपकी तैयारी हम जान लें कि आपने पिछली क्लासेस में किस तरीके से पढ़ा है। इसका आंसर क्या होगा, पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है 2010 का वो है .pptx, ऑप्शन बी .pptx। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट्स ऑफ अ स्लाइड। स्लाइड के संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, स्लाइड के संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो वो विकल्प है नोट मास्टर, प्रेजेंटेशन मास्टर, स्लाइड मास्टर या फिर हिंट मास्टर। जो स्लाइड है उसे संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए जो विकल्प है वो है नोट मास्टर, ऑप्शन ए नोट मास्टर। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल स्लाइड फ्रॉम करेंट स्लाइड टू फर्स्ट स्लाइड। वर्तमान स्लाइड से पहली स्लाइड तक सभी स्लाइड का चयन करने के लिए किस कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? मतलब अभी हम किसी भी वर्तमान स्लाइड पर हैं, जैसे इस स्लाइड पर है, 22 नंबर की स्लाइड पर है, यानी कि 22 नंबर की क्वेश्चन वाली स्लाइड पर है, तो पहली स्लाइड यानी कि हमने जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहाँ से लेके सभी स्लाइड यानी कि अभी जो लास्ट तक होगी, जो स्लाइड होगी, जितने क्वेश्चन होंगे, उनका चयन करने के लिए किस कुंजी के संयोजन का उपयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन है Alt+Home, Ctrl+Home, Shift+Home या फिर Tab+Home। तो जो कुंजी का संयोजन है वो है Shift+Home। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच व्यू हाइड्स द हिडन स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड को कौन सा दृश्य छुपाता है, मतलब छिपी स्लाइड को कौन सा दृश्य छुपाता है, नॉर्मल नोट पेज, रीडिंग व्यू या फिर स्लाइड सॉर्टर? आंसर है रीडिंग व्यू, हिंदी में बोले तो पढ़ने का नजरिया। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड स्लाइड ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। केवल चयनित स्लाइड को प्रस्तुति के लिए प्रदर्शित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, केवल चयनित स्लाइड को प्रस्तुति के लिए प्रदर्शित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, ब्रॉडकास्ट स्लाइड, कस्टम स्लाइड। सो तो आंसर क्या होगा इसका, फ्रॉम बिगिनिंग तो देखिए हो जाएगा शुरुआत से, मतलब जैसे हमें 24 नंबर से ही शुरुआत करनी है, 24 नंबर के क्वेश्चन से हमें अपनी क्लास को शुरुआत करनी है, तो हमें किस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए पावर पॉइंट में, किस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए? फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो भैया वो शुरुआत से पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हमें तो भैया 24 नंबर की क्वेश्चन से ही स्टार्ट करनी है ना, तो क्या हो जाएगा कस्टम स्लाइड। सो ऑप्शन डी कस्टम
कस्टम स्लाइड जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इफेक्ट ऑप्शन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी विकल्प है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी विकल्प है? ऑप्शन है डायमंड, फेड, पुश या फिर रिवील। तो प्रभावी विकल्प है वो है ऑप्शन ए डायमंड, डायमंड। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू शो द लेजर पॉइंटर ड्यूरिंग स्लाइड शो। स्लाइड शो के दौरान लेजर पॉइंटर दिखाने के लिए कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? अभी मैं लेजर पॉइंटर नहीं यूज कर रही हूँ, राइट, यूज करती तो बताती लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर रही हूँ, क्लास चल रही है। तो कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है लेजर पॉइंटर दिखाने के लिए? कुंजी है आर्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन, आर्ट प्लस राइट माउस बटन, कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन, कंट्रोल प्लस राइट माउस बटन। मैं तो भैया जो पेन और पैड है, इलेक्ट्रिक पेन पैड है, उसका यूज कर रही हूँ, लेकिन इसमें जो लेजर पॉइंटर है उसको दिखाने के लिए जो कुंजी है वो है कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन, राइट। ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। 27 नहीं है, अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी क्लास नंबर 8, जो हम करेंगे अब मंडे को, राइट। मंडे को कैसे, जो भी आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन हम अपनी थ्योरी की क्लास करते हैं और बाकी के 3 दिन हम अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। आप प्लीज़ क्लास को जरूर ज्वाइन किया कीजिए, शाम को रोज 4 बजे होती है, बस संडे को नहीं होती है क्लास, संडे को होती है आपकी छुट्टी, 4 बजे रोज शाम को क्लास होती है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए, मैं जब भी क्लास डालती हूँ उससे पहले आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर देती हूँ, ताकि अगर आप भूलना भी चाहें तो भी मैं आपको ना भूलने दूँ, राइट, जिससे आप क्लास को बिल्कुल टाइम से देख पाएंगे और आपकी जो क्लासेस हैं, जो क्वेश्चन है, वो इकट्ठे नहीं होंगे आपके एग्जाम के टाइम पे। तो इस तरीके से आप क्लास बाय क्लास देखते जाएंगे तो आपको प्रेशर नहीं होगा आपके एग्जाम टाइम पे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास करेंगे, आपको पता है हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, इतने बढ़ चढ़ के आप लोग क्वेश्चन के आंसर देते हैं कि पूछो मत, मुझसे पहले आंसर देते हो, राइट। तो जो अगली जो क्लास होगी हमारी क्लास नंबर 8 कोपा थ्योरी की, वो होगी नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जितने भी आपके मैं टॉपिक आपके जितने भी हैं एक भी नहीं छोड़ूंगी, राइट। पाइथन भी करवाऊंगी, क्लाउड कंप्यूटिंग भी करवाऊंगी, MySQL भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, और ये इस क्लास के बाद, क्लास नंबर 8 के बाद, ये जो टॉपिक है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट, इनके क्वेश्चन करने के बाद मैं इसकी एक पूरी PDF बनाऊंगी और मेम्बर से बालों के लिए अपनी एक वीडियो बनाऊंगी मेम्बर से बालों के लिए, उसमें मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगी। तो वहाँ से आप अगर मेंबरशिप लेना चाहते हो ले लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं है, आप चैनल से जुड़ जाएंगे, और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किया है तो आप मेरे से पर्सनली जुड़ सकते हो, राइट, पर्सनली जुड़ सकते हो, आप वहाँ से मुझसे सवाल जवाब कर सकते हो, मैं आपके आंसर्स दिया करूँगी इंस्टाग्राम पे। सभी की लिंक जो है वो मैंने कॉमेंट में पिन कर दी है, व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम मेरे हैंडल को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अपनी क्लास में, यानी कि कल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास में।